पाक भूमि से आए हो, तो क्या संदेश है सब मुझे? यहाँ पे आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा है कि सब लोगों का जो उत्साह है कि बुद्ध मूर्ति की स्थापना यहाँ पे होने वाली है, तो मुझे लगता है कि अगर बुद्ध मूर्ति के स्थापना के साथ साथ अगर ये लोग अपने जीवन में धम्म का अनुसरण करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ मूर्ति स्थापना करने से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, बट धम्म को स्वीकार करने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो मेरी सबको यही मंगल कामना है कि सब धम्म का अनुसरण करें और अपने जीवन में बुद्ध धम्म को उतारें। बुद्ध विचारों का प्रभाव यानी बुद्ध का धम्म ही मैत्री प्रज्ञा करुणा का है। तो जैसे अगर हम बुद्ध का धम्म अनुसरण करते हैं हमारे जीवन में, तो एक अनुकंपा जो करुणा है हमारे जीवन में हमारे मन में उत्पन्न होती है। पर क्योंकि हमने कभी दूसरों का दुख ही समझने की कोशिश नहीं की है, कभी हमने दूसरों का दुख ही देखा नहीं है, हम अपने ही दुख में इतने डूबे हुए हैं कि हमें लगता है कि हम ही इस संसार के सबसे दुखी इंसान है। तो बुद्ध ने बोला है कि इस संसार में जो भी दुख उत्पन्न होता है हम खुद ही करते हैं। तो जब तक हम ये देखेंगे नहीं कि भाई हम हमारे ही दुख के कारण खुद ही है, तब तक हम दूसरों को ही ब्लेम करते रहेंगे। और हमारा यही है कि हम कंटिन्यूसली लोगों को ढूंढते हैं कि हम किसे ब्लेम कर सके, मेरे दुख का कारण ये इंसान है वो इंसान है, इसी के वजह से ये जो ईर्ष्या है ये क्रोध है ये उत्पन्न होता है। हे आहे डीटीव्ही न्यूज नेटवर्क आणि आपण बघत आहात डीटी न्यूज मराठी।